हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट हम लोग इसमें कहते हैं इसकी मीनिंग की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते क्या है। सी The degree of responsiveness of quantity demanded of one commodity to change in price of another commodity means एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी पे क्या उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, क्या उस पर अफेक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स एक कमोडिटी के डिमांड में चेंज जो आता है किसकी वजह, दूसरे कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने की वजह से, उसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब कितना परसेंट चेंज आया है कमोडिटी एक्स में किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ये एक एक, एक दो कमोडिटीज है एक्स एंड वाई, तो एक्स की कमोडिटी में कितना चेंज आया है वाई के प्राइसेस के चेंज होने की वजह से। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन क्वान्टिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इंटू प्राइसेस ऑफ वाई अपॉन चेंज इन प्राइसेस ऑफ वाई, वेयर क्यू चेंज दिस स्टैंड फॉर चेंज, दिस स्टैंड मीन्स क्वांटिटी ऑफ स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, मतलब जो डिमांड एक्स की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है अपॉन जो ओरिजिनल एक्स की डिमांड थी इंटू प्राइसेज ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन कितना चेंजेस आया है प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी में। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्री टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द गुड्स, मीन्स इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज, एक्स कमोडिटी इंक्रीजेज देन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी से वाई विल बी इंक्रीज, मीन्स अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो वाई की डिमांड इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड, तो जो कंज्यूमर है वो कॉफ़ी को ज़्यादा यूज़ करेगा एज कम्पेयर टू टी, तो इन दैट केस द डिमांड विल बी पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स देन प्राइस डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज, हेंस दे विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कमोडिटीज इज नेगेटिव, मीन्स अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है एक कमोडिटी का तो दूसरे की डिमांड विल डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से कार एंड पेट्रोल, अगर कार के प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, बिकॉज कार लोग परचेस नहीं करेंगे, जब कार परचेस नहीं करेंगे तो वो पेट्रोल भी यूज़ नहीं करेंगे तो पेट्रोल की भी डिमांड फॉल होगी। सेकेंड एग्जांपल इज टेक ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बटर की डिमांड कम होगी। थर्ड एग्जाम्पल इज पेन एंड इंक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो हियर देयर इज अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन द प्राइसेज ऑफ वन विल डिक्रीज इन डिमांड फॉर अनदर। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हियर देयर विल बी नो अफेक्ट ऑफ प्राइस, मतलब इसमें दोनों कमोडिटीज पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब एक कमोडिटी के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो दूसरे कमोडिटी पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जीरो मीन्स कॉन्स्टेंट, मतलब एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे कमोडिटी की डिमांड कॉन्स्टेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल से टी एंड टीवी, अगर टीवी के प्राइसेस बढ़ते तो टी पे क्या उसका इफेक्ट होगा, तो हे डिमांड विल बी जीरो। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एंड एनी ऑफ द टॉपिक you can ask me in the comment section. Thank you for watching this.